हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन था हमारा कुछ ऐसे कि इस तरीके से बना हुआ था। किसी का सॉल्व हुआ है? हाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा। आवाज आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा। हेलो, आ रहा आ है रहा है सर तो आवाज। बोलना है ना। नहीं चुपचाप किए थे बैठो। सॉल्व, यही नहीं थे या हुआ नहीं? यही नहीं था। आपको बताना था NANBNC। एक बार ट्राई करो तो कर लो 1 मिनट में। 1 मिनट है आपके पास। NAT A NAT B NAT C बताना है। चलो हम ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। किसी ना किसी का तो होना चाहिए था। और रहा बात टेस्ट के रिजल्ट के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में ऑफलाइन। पेपर आसान था, उम्मीद करें कि आप लोगों को और अच्छा आना चाहिए था। खासकर आयुष तुम्हारा कुछ भी इशू था, 50 नंबर सेटिस्फैक्टरी नहीं। अच्छा खुद से कितना बनाए थे? मार्क नहीं कर पाया, अलग बात है। कितना बना, कितना था? सब बन गया था? सर आयुष? हमको बोल, हाँ, बन गया था खुद से। अच्छा सर क्या बोले वो आशीष कॉल कर दिया था, अभी क्या कह रहा था वो? बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग करके हमको भेजना था। हम बोले सर अपलोड करते ही हैं, देख लेना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। रिकॉर्डिंग तुम नहीं कर सकते, वैसे हम बता दें, तुम्हारे हाँ ये तो पास वो कम ऑप्शन बोला। नहीं आएगा। हाँ खैर हम बोले ये कि जो तुमसे क्वेश्चन छूटा, वो क्वेश्चन क्यों छूटा? हाँ मार्क नहीं कर पाने की वजह से, या कुछ बना भी नहीं था, ऐसा भी था जो नहीं बना? नहीं सर बनाए थे, जैसे हम एक ही साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और तुमसे सारा सॉल्व हो गया? उसके बाद आखिरी में मार्क नहीं, एक दो नहीं भी सॉल्व हुआ, बहुत सारा नहीं सॉल्व हुआ, शायद 4 सॉल्व नहीं हुआ। 4 सॉल्व नहीं हुआ था। बाद में जब आंसर किया है तो मिला है उसको? हाँ सब सही था, गलत कितना था? आंसर की मैं सर मतलब हम मार्क कर ही नहीं पा, मतलब मार्क कर रहे थे तो मेरा बार बार लोड हो रहा था। हम वो नहीं कर रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो आंसर की भी तुमको मिल गया होगा। हाँ तो अब मैच किए उसके बाद कि कितना सही कितना गलत था जो तुम बनाए थे खुद से। मार कितना किए टेस्ट में कितने, वो अलग बात है। आया एक्चुअल एक्चुअली में कितना आ रहा था? 1 गलत था, 51 है। 51। मतलब तुम बनाए 51 मार्क्स एग्जाम रिजल्ट में ना आया। हाँ हम ये नहीं पूछ रहे हैं रिजल्ट में, तो कुछ तुम मार्क नहीं भी कर पाए। 1 मिनट हम सर देख के बताते हैं। देखो और सनाया, यस सर। तुम्हारे लिए सारा क्वेश्चन एग्जाम लेवल था, नोटिस की होगी। तो थोड़ा यस और सर। मार्क्स पे थोड़ा और मेहनत, ठीक है? 70+ 75+ रहो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तुम ओके अगर सर। 75+ चल जाती हो तो बहुत बढ़िया है, नीट के लेवल पे हो तुम। बट हर चैप्टर में, इसी हर टेस्ट में 75% से मार्क्स, ठीक ओके सर। है? चलो, खुद से ही बनाई थी ना? यस सर। ठीक है चलो। अब देखो, अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो ये है M3, और M3 पे तीन तरफ से MG लग रहा है। एक M1 का भी वेट लग रहा है इस पे, M1G, M2 का भी लग रहा है, M2G, और M3 का भी लग रहा है, M3G। तो जाहिर सा बात है, अगर तीन तरह का फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है, तो इस सरफेस से जो N लगेगा, और देखो ओवरऑल मोमेंट M3 ना ऊपर जा रहा है ना M3 नीचे जा रहा है, तो जाहिर सा बात है ये जो नॉर्मल एट पॉइंट ए है वो M1+M2+M3 इनटू जी के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत?
बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और। ये देखो सर, एक हाँ बोलो आशीष। तेरह सही था और एक गलत, टोटल 15 तुम सॉल्व किए थे खुद से, है ना? 14 14 ठीक है। मैं सर एक चार चार पांच और भी सॉल्व किए थे, खत्म हो गया ऑटोमेटिक वो। अरे हम वो नहीं पूछ रहे, तुम सॉल्व एक्चुअली में कितना किए थे? ओ रुकिए एक मिनट, वो हमको लगा आप नंबर पूछ रहे थे, इसलिए नंबर तुम तो कितना सही कितना गलत हो तो हम भी देख सकते हैं आपसे। तुमको एक्चुअली में कितना था तुम ये जानना चाहते, विभूति आई है कि नहीं? विभूति कितना? 21 21 सॉल्व किए, तो उसमें कितना सही कितना गलत? तो उसमें बस एक गलत था, 20 सही था। हाँ मतलब 79 मार्क्स। चलो तब ठीक है। विभूति तुम्हारा कितना मार्क्स आया है? 71 है ना, याद नहीं है, पूछ रहे हैं बस। 71 छापी भी थी या खुद से? खुद से ही बनाए थे एक दो ऐसे ही। तुक्का भी था या सब कंफर्म वाला था? नहीं तुक्का भी था काफी सारा। काफी सारा, तब तो काउंट ही मत करो। एग्जाम जब दीजिए तो अपने लिए दीजिए, क्योंकि तुमको एक्चुअली में कितना आता है वो तो हम ओरली पूछ के जा नहीं सकते हैं। क्लास में कौन कितना रिस्पांस करता है कि हमको पता नहीं है, तो हमको तो आइडिया है, तुमको अपने बारे में जानना जरूरी है। देखो इस पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो इस ए से एम थ्री का भी नीचे फोर्स लग रहा है वेट, एम टू का भी वेट लग रहा है और एम वन का भी लग रहा है, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एम वन जी प्लस एम टू जी प्लस एम थ्री जी, लेकिन इस ब्लॉक का नेट मूवमेंट ना नीचे हो रहा है ना ऊपर हो रहा है, तो जाहिर सा बात है इस फोर्स को कोई तो फोर्स बैलेंस कर रहा होगा ऊपर की तरफ, और जो फोर्स बैलेंस करता है उसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन, और बैलेंस कर रहा है यानी नॉर्मल रिएक्शन पक्का एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू जी के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये एन एट ए है, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए सनाया, कोई दिक्कत अभी भी? ठीक है, ये एट पॉइंट ए हो गया। अब एट पॉइंट बी का बात करते हैं, फिर से इमेज दोबारा बनाने ताकि तुमको दिक्कत ना हो। देखो बी यहां पे है तो M1 वाला फोर्स तो नीचे, सॉरी M3 वाला तो नीचे ही लग जा रहा है, इसको तो भूल जाओ। ये देखो M2 का लग रहा है B से और M1 का लग रहा है B से, तो अगर हम इस पे B पॉइंट को ड्रॉ करें, इस B पॉइंट पे FBD, तो नीचे लगा M2G और M1G, और जाहिर सा बात है कि ये भी ब्लॉक ऊपर मूव ना कर रहा ना नीचे मूव कर रहा है, यानी इसके ऊपर भी जो नॉर्मल लग रहा होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, यानी NB होगा M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, कोई भी दिक्कत तो बताइए बिना किसी हिचकिचाहट के। बोलो दिक्कत तो बताओ जल्दी, दिक्कत है? अरे बोलो। नो सर। हाँ तो बस बोल दिया करो। ये एन एट ए था, ये एन एट बी है, और अब बात करते हैं एन एट सी का। एन एट सी वापस से एफबीडी बना रहे हैं, एक ही एम वन है, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो इस पे फोर्स लग रहा है एम वन जी और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और जाहिर सा बात है नेट मोमेंट ना ऊपर ना नीचे, तो इसलिए एन एट ए इज इक्वल टू एम वन जी होगा। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत है सर? एक बार फिर से बताइए तो। कौन सा वाला ये? मतलब ए बी सी या तीनों? क्या एन एट सी? एन एट सी ये देखो, एन एट सी यानी ये वाला,
ये मेरा पेन दिख रहा है ना, पेन देखना, एन एट सी यानी एन से नीचे जो फोर्स क्रॉस हो रहा है कौन सा हो रहा है, एम ओ वन जी हो रहा है, और ऊपर में इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल लगेगा, जाहिर सी बात है ना नेट मूवमेंट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो एन एट सी है वो बराबर होगा एम वन जी के, तभी नेट मूवमेंट जीरो है। हाँ हाँ हो गया, लिख लिए सब लोग, कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं सर लिखते हैं एक मिनट। हो गया, हाँ सर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, एक और नन्हा सा क्वेश्चन था हमारे पास, एक ऐसा यूनिफॉर्म रोप था, जरा गेट स्टार्ट दिया तो एक ऐसा हमारे पास रोप है, तो ये रहा रूप। चलो इस रूप पे अगर हम बात करें, इस रूप का टोटल लेंथ है कितना दिए थे L, हम कह रहे हैं नीचे से x डिस्टेंस ऊपर, नीचे से x डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का नाम क्या है P, और हम आपसे पूछ रहे हैं जरा टेंशन एट पॉइंट P बताइए, तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि P पे जो टेंशन, देखो अच्छा ये भले ही यूनिफॉर्म रोप है यानी इसमें मास है लेकिन ये अन या इनएक्सटेंसिबल है, ऐसा नहीं है कि वेट लगेगा तो ये खिंचाएगा, रबड़ नहीं है कैसे एक्सटेंड हो जाएगा, समझे, तो जाहिर सा बात है इस पी पॉइंट पे जो नीचे में एमजी लग रहा होगा, पी पॉइंट पे नीचे में जो एमजी लग रहा होगा पक्का पक्का यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा उसी के बराबर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, होगा ना, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको समझ में आना चाहिए ये ऐसा कोई रोप है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, इस पूरे रोप का भार उठाए हुए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसके नीचे जो भी रोप है उसका भार उठाए हुए हैं, ये वाला पॉइंट, इसके नीचे जो भी रोप है उसका भार उठाए हुए, समझ में आ रहा है, मतलब अगर हम पूछे यहां से पकड़े हुए रखा है इसको, तो ये जो पॉइंट है ये इस पूरे का भार उठाया है, यहां पकड़े हैं तो ये इतना दूर का भार तो ऊपर में जो चिपका हुआ है वो उठाया होगा, यहां पे जो टेंशन लग रहा होगा वो सिर्फ इतने का भार उठा रहा होगा, ये समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बात करें टेंशन एट पॉइंट पी का, तो टेंशन एट पॉइंट पी, टी एट पॉइंट पी, वहां पे जो एम जी लगेगा उसी के बराबर होगा, बोलो। अच्छा इस बार जो हम ये m का बात कर रहे हैं ये इस x लेंथ का मास का बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो इतने दूर का मास को नहीं उठाया है, वो सिर्फ इस मास को उठाए हुए, इस मास को, समझ में आया बात कि नहीं आया बताओ, बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीज, कि इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो सिर्फ इस मास को उठाए हुए है, इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो सिर्फ इसके नीचे में जो मास है इसको उठाए हुए, इसी का वजन उठाए हुए है, तो आपको सब दिख रहा है कि L लेंथ का मास है M, तो यूनिट लेंथ का मास होगा M बाई L, सीधा नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो X लेंथ का मास होगा m by l into x,
और अगर ये बात सही है तो यहाँ जो मास है वो तो एक्स लेंथ का ही मास है, इस लेंथ का मास है, तो टी पी होगा एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं एम जी बाई एल इंटू एक्स, बोल सकते हैं एम जी एक्स बाई एल, इसी को ऐसे बोलो एम जी एक्स बाई एल। कुछ बोल रहे हो आयुष? नो सर। ये बात समझ में आया सबको? बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया? नो सर। कहाँ पे समझ में नहीं आया ये बताओ? एल क्या एम बाई एल एक्स इंटू जी, ये समझ में नहीं आया या यहाँ समझ में नहीं आया? ये आया था x लेंथ का मास होगा, मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। ये समझ में आया था कि x लेंथ का मास होगा m by l into x? बोलो। नहीं। ठीक है, अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो और ऑडियो भी, जब तक हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं तब तक के लिए, ठीक है? ऑडियो भी ऑन करोगे, वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन होगा जब तक हम समझा रहे हैं, समझा लेने के बाद फिर बंद कर देना। देखो इससे क्या होगा कि तुम्हारा फेस दिखता रहेगा तो हम समझ सकेंगे कि कहाँ तुमको समझ में आया कहाँ नहीं है। हम फिर से मिटाकर पूरा बना रहे हैं। चलो देखो हम ये कह रहे हैं कि ये जो अच्छा इसको मिटा लें, तो हाँ अभी देखना, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट दिखा ग्रीन कलर से जिसका नाम है P, ये जो पॉइंट P है, जैसे मान लो अगर हम इस मार्कर को यहां से पकड़े हैं, इधर देखना, अगर हम इस मार्कर को यहां से पकड़े हैं तो ये पॉइंट इतने दूरी का जो मास है उसका वेट उठाए हुए, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से ये खाली नहीं है, हम मेरे हाथ में भले ही तुमको लग रहा है कि सर अब तो पूरा पेन को उठाएं, बट जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ छत से है ना, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा होगा वो ऊपर टेंशन, और इस पॉइंट के नीचे में जो मास है, ये जो मास है ये इसको नीचे खींच रहा होगा, और इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। ये समझ में आया? यस सर। ये जो टी टेंशन एट पॉइंट पी है वो उसके नीचे में जो भी मास है उसका वेट उठाया हुआ है, मास बिलो दैट पॉइंट पी, जैसे लिखता हूं बिलो पी इंटू जी, ठीक है? या कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। दिख तो रहा है कि है, इधर देखो, वीडियो इसीलिए ऑन कराया था। इस पॉइंट के नीचे जो भी मास है, सिंपल सा सोचो ना, या हम इसको यहां ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये है मेरा पेन, ये जमीन पे रखे हम, जमीन पे, ये ऐसा जमीन पे ऐसा रखा हुआ, चलो ऐसे रखा हुआ है, ठीक। हम कह रहे हैं कि तुम इसको इधर खींच रही हो एम जी से, ठीक है? और मेरा सवाल यह है कि हर पॉइंट पे तो टेंशन लग ही रहा होगा, लग रहा है? यस सर। याद करो हम लोग क्वेश्चन जब करे थे तो हम लोग देखे थे कि इस पॉइंट पे जो टेंशन होता है, इधर का मास इनटू इधर का फोर्स प्लस इधर का मास इनटू इधर का फोर्स बाय टोटल मास, यही किए थे ना फॉर्मूला? यस सर। अच्छा ये जो फॉर्मूला हम लोग किए थे, इस फॉर्मूले से एक बात तो समझ में आ रहा है कि हर पॉइंट पे, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ वाला मास बदलेगा, टेंशन अलग अलग होगा, नहीं समझे? अब समझ जाओगे? इधर फोर्स लगा रहे हैं F1, इधर फोर्स लगा रहे हैं F2, यहां का टेंशन कुछ और आएगा, यहां का टेंशन और यहां का टेंशन कुछ और आएगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो टेंशन अलग अलग होगा ये क्यों होगा? देखो इस पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा है वो
इधर वाला जो फोर्स है उसके हिसाब से लग रहा, इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है इस वाले पॉइंट पे वो इस टोटल मास की वजह से लग रहा है। अगर हम इस पॉइंट का बात करें तो इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो ये टोटल मास की वजह से लग रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। तो अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो उसी का एनालॉगस है जो अभी हम ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो इसके नीचे में जो मास उस पूरे पे लग रहा है। अगर हम यहाँ टेंशन का बात करते इस पूरे का बात करते, अगर हम यहाँ का बात करते तो इस पूरे का बात करते। अब बोलो अभी कोई दिक्कत है कि अभी भी समझ में आ रहा है? अभी भी दिक्कत है? समझ में आ रहा है। जिस पॉइंट पे टेंशन का बात करते हैं उसके नीचे का वेट उठाए हुए है ना, मतलब कि ये वाला पॉइंट इस पूरे का भार उठाए हुए है, ये वाला पॉइंट इस पूरे का भार उठाए हुए है। समझ रहे हो बात? यस सर। तो अगर मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ इतने का भार उठाए हुए है, इसी पॉइंट इतने का ही भार उठाए हुए है, तो वहां पे जो टेंशन लगेगा उसके नीचे में ये वाला जो पॉइंट होगा उसका मास और जी के बराबर टेंशन लगेगा। अब ये मास कितना होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि टोटल एल लेंथ के रॉड का मास एम है। स्ट्रिंग का मास एम है, ठीक, एल लेंथ के स्ट्रिंग का मास एम है। तो जाहिर सा बात है अगर यूनिट लेंथ का हम बात करें तो यूनिट लेंथ का मास होगा एम बाई एल, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक। तो ये जो x है ये x लेंथ का मास होगा m by l into x होगा, और इसी x लेंथ के मास को हम लोग यहां वैल्यू पुट किए, बस tp इज इक्वल टू इस वाले मास के बदले लिखे m by l into x, m by l into x और into ये g तो पहले से ही था, सॉल्व किए तो आया mg x by l। अभी ठीक है? यस सर। चलो अब वीडियो तो बंद कर सकते हो, ऑडियो भी। और किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अच्छा अगर हम यही बोलते कि इसी क्वेश्चन में, इसको हटा रहा हूं, हटाओ ना सब लोग लिख लिए हो, सब लोग लिख लिए हो, हटाओ। Yes, बोलो, sir. बोलो बोलो yes, sir. तो इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं कि भाई ऐसा एक फिक्स है उस पे कोई ये रहा तुम्हारा स्ट्रिंग जो हैंग किया हुआ है, हम इसका लेंथ एल दिए हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपसे पूछ रहे हैं कि जरा ऊपर से वाई लेंथ पे बताइए टेंशन कितना होगा। देखो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं टी एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू एम जी एक्स बाई एल, इसमें खास बात है कि x क्या है, लेंथ फ्रॉम बॉटम, नीचे से लेंथ है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, इस x को x यही है, ये है x, x क्या है ये, तो x निकालने के लिए तुम क्या ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम अगर l माइनस वाई कर दें तो जो बचा वो x है। तो tp को डायरेक्टली लिख सकते हैं mg into l minus y by l। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फिर शांति है, बोलो जल्दी। हाँ जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलो ठीक है फिर। इसको भी लिख लीजिए एज अ मॉडल क्वेश्चन के फॉर्म में, इस आंसर को आप याद रखिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, फ्रिक्शन अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज भी बहुत कम लोग आए हो, तो 3 लोग वैक्सीन लिए हुए तो दिमाग उन लोगों का काम नहीं कर रहा होगा। विभूति और फरहान कैसा लगा वैक्सीन लेकर? कर रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है अभी तक, तो नहीं लग रहा है। विभूति कैसा लगा तुमको? नींद आ रहा है। कोई नहीं, बस 10 मिनट बाद सोना फिर ठीक है।
गलत आंसर हो गया है। कोई नहीं, इसको इंजेक्शन से ज्यादा डर लगता है, वैक्सीन से नहीं। खैर चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए एक और क्वेश्चन करके आज छोड़ देंगे, फिर फिक्शन अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास से हम उड़ाएंगे हवा में, और उम्मीद करते हैं अगला क्लास कल ही होगा। रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगा, मतलब एक ही घंटे में उड़ाइएगा ना सर? हाँ 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 हाँ, ज्यादा नहीं उड़ाएंगे, रेगुलर लेकिन डेली लेंगे। ये देखो ये एक गाड़ी है, अफीफा कहीं कार है, ठीक है। ये रहा रोड, वो अपने कार में ना एक पेंडुलम बांध दे, लिख देते हैं कार ब्रैकेट में मालकिन का नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। ये कार इधर चल रहा है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जब कार, देखो नॉर्मली कार जब था तो उसका ऐसे पेंडुलम था, ठीक है। अब जब कार चलेगा तो तुमको समझ में आ रहा है कि पेंडुलम पीछे होगा, देख रहे हो जैसे तुम इसको चलाओगे तो ये पीछे होगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जब ये इधर चला तो पेंडुलम धीरे धीरे यहां पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे ये खड़ा है, वो कौन खड़ा है, चलो फरहान को ही खड़ा करते हैं, फरहान यहाँ पे खड़ा है। फरहान तुम इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में? बोलो बोलो, कौन सा? नॉन इनर्शियल। तुम इनर्शियल फ्रेम में हो, एक्सेलरेट ये कार कर रहा है, तुम नहीं, तुम शांति से जमीन पे खड़ा रोड पे, समझा? और यू नीड टू फाइंड आउट, पहला ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। फाइंड फर्स्ट इज थीटा और सेकंड इज टेंशन। ये क्वेश्चन आपको करना है और अगले क्लास में हम फिक्शन स्टार्ट करेंगे। आज भी क्लास जल्दी छोड़ने का कारण ये है कि लास्ट क्लास में दो तीन लोग गए थे वैक्सीन लेने, तो उस दिन तो क्लास ही ऑफ कर दिए थे। लास्ट टू लास्ट एक्चुअली, कल तो एक उसके बदले में क्लास लगा ही लिए, आज भी दो तीन लोग लगता है वैक्सीन लिए हुए, तो दिमाग उनका हिला हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, शांति एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए और कल अगर क्लास लगा तो हम लोग कल से अपना पूरा पेस पकड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।